घड़ी तेरे तन बदन में लगी रहती है, कहां से लाऊं खाना? खैर खैर, जरा देखता हूं। बेटी, ये नखरे नहीं दिखा रही है। जब तू छोटी थी, बिल्कुल सीमा की उम्र की, तुझे कभी बासी सूखी रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ी। तेरी माँ तेरे लिए चपाती पकाती थी और एक किस्म का सालन भी, फिर तू मजे से खाती थी। सुबह होते ही तेरी माँ तेरे लिए घी की चपाती पकाती थी, पता है तुझे कुछ? हाँ बेटी, खांसी भी तेज है और दम भी फूल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं दवा लेकर आती हूँ। जा ला दवा, मुझे पता है कौन सी दवा पिलाओगी तुम। किसी भी बीमारी की दवा ऊपर वाले ने पैदा ना की हो। कुदरत के इसी खेल पर तो हंसी आती है कि बीमारी मुझ पर लाद दी और आमदनी छीन ली, पैसे पैसे को मोहताज कर दिया। अब ये दवा दारू कहाँ से लाए? कहीं से तो लानी ही पड़ेगी। कहाँ से? खुद में इतनी ताकत नहीं है जो चार पैसे कमा सकूं। रमजानी है, उसको नौकरी नहीं मिली। चंदा है, उसकी वजह से दो वक्त की ना सही, एक वक्त का खाना तो मिल ही जाता है। अगर अब इस बीमारी का क्या करूं? बीमारी का मैं क्या करूंगा? जो करना है बीमारी ही करेगी, साथ साथ कब्र में ले जाएगी और क्या। कल्लू चाचा, आप परहेज भी तो नहीं करते हो? परहेज तो बहुत करता हूँ। अरे परहेज क्या था करते हो? ये हुक्का तुमसे छूटता नहीं है, कहाँ गया? अरे वो रखा है, हुक्का तो कब से नहीं पीते हैं, और हुक्का नुकसान भी तो नहीं करता। हाँ, तुम तो डॉक्टर हो ना? ये हुक्का तुमसे छूटता है, ये
नुकसान नहीं करता। और ये नींबू? नींबू ना कहे, बता रहा हूँ तुझे। अरे मैं चिढ़ाने के लिए थोड़ी कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दम्मे में नुकसान करता है नींबू। फिर तूने नींबू कहा? अरे कल्लू चाचा, अगर आप नींबू छोड़ देंगे और साथ साथ परहेज करेंगे, दवा करवाएंगे, तो आप ठीक हो जाएंगे, वरना आप मर जाएंगे। मर मैं क्यों मरूं? मरे तेरा बाप, मरे तेरी माँ। कल्लू चाचा, नींबू खा तू, मैं मरूं मैं। फिर मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। और सुन ले, तू बार बार नींबू ना कहे, मैं तो बता रहा हूँ तेरे बाबा से शिकायत करूंगा फिर मैं। अरे नहीं 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 कल्लू चाचा, बाबा से शिकायत ना करना। अगर तुम शिकायत नहीं करोगे तो मैं नींबू नहीं कहूंगा। फिर तूने नींबू कहा? तेरी खैर नहीं, रुक जा। नहीं कल्लू चाचा, देखो नींबू, तू नींबू, तेरे बाप नींबू, तेरी माँ नींबू। कल्लू चाचा नींबू, रुक जा कभी ना, परेशान करने चल देता है। कल्लू चाचा नींबू, रुक जा। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, परेशान करने चल देते। तू नींबू, तेरा बाप नींबू, तेरी माँ नींबू। आप चलकर वहां बैठो, दवा पियो। दवा घर में हाथ ना जला लेना जब तक मैं रोटी देखती हूँ। सुनती होती माँ, तेरी माँ कहती है कि दवा गरम है, ठीक से पीना। क्या बात है सबको बेटा, क्या लेकर आई हो? लंदन भाई घर से खाना आया है, पता है रात को उनकी पापा की बरसी मनाई गई थी। अच्छा, बड़े बड़े लोग आए थे चाचा, बड़ा बड़ा खाना पड़ा था। गरीबों चार लोगों ने खूब जमकर खाया। गरीबों को भी बुलाया? चाचा ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ हजारों लोग रहे होंगे। कोई खाने की तारीफ कर रहा था तो कोई इंतजाम भी। चाचा वाला तारीफ हो क्यों ना, एक हफ्ते से इसकी तैयारी तो चल रही थी। चाचा मेरी माँ कहती थी खाने को खाना समझो, कहाँ से आया है, क्यों आया, कौन लाया, सब बातों में क्या रखा है। हाँ। खाना तो खाना होता है, इसलिए खाने को खाना समझो और खा लो। हाँ। मेरी दादी कहती थी कि खाना देने वाले की नहीं, खाना देने वाला जाने, और खाने वाले को चाहिए रोजी समझ कर खा ले। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बातें, नजर ना लगे तुझे। आखिर चाचा बेटी किसकी हूँ? हाँ वो तो मैं जानती हूँ, खाना दे दिया तूने। चाचा आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा। सब लोग आपको नींबू क्यों कहते हैं? देख देख देख, नींबू ना कहे, बता रहा हूँ तुझे। तू सीधे अपने घर जाओ, बदतमीज ना करो, चलो। तू ऐसे नहीं मानेगी। चाचा ये नींबू कैसे रखे हैं? तू नींबू, तेरा बाप नींबू, नींबू इधर रख। ये रख दिया नींबू। और तू सीधे अपने घर जा, बदतमीज ना कर यहाँ। तू नींबू, तेरा बाप नींबू, तेरी माँ नींबू। रुक जा तू, परेशान करने चल देते ये लोग।
तेरी माँ तेरे लिए चपाती पकाती थी और एक किस्म का सालन भी, फिर तू मजे से खाती थी। सुबह उठते ही तेरी माँ तेरे लिए घी की चपाती पकाती थी। अरे बाबा कैसी बात करते हो, इसकी किस्मत ऐसी कहाँ, ये तो कर्म जली ही पैदा हुई है, इसी मनुष्य की वजह से मेरी सारी दुनिया उजड़ गई। नहीं बेटा ऐसा ना कहो, अगर वक्त और हालात ने करवट ना लिया होता ना ऐसे दिन आते। मैं बेकार में ही वक्त को कोसता हूँ, असल में हालत मैंने खुद बनाई है। क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं था, क्या मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं थी, अच्छा खासा घर था, जमीन थी, लेकिन बुरे दोस्तों की संगत में पड़कर नशे का आदी हो गया। अब हर रोज शराब पीने लगा, तेरी माँ बहुत समझाती बुझाती, अपने बच्चों का वास्ता देती, लेकिन मैंने एक न सुनी और जैसे तैसे तेरी शादी कर दी। बदकिस्मत से वो भी नशेबाज निकला और तेरी माँ गुजार कर ऊपर चला गया, ऊपर से तेरी गोद में ये बेबस बच्ची छोड़ गया। नशे की लत तो उस वक्त छूटी जब सब कुछ लुट चुका था, नशे ने इस हालत तक पहुंचा दिया है कि आज सांस लेना भी दूभर हो रहा है। चंदा, ओ चंदा, तू इस बच्ची से नाराज मत हुआ कर, देखना एक दिन फिर आएंगे अच्छे दिन, रमजानी को नौकरी मिली नहीं कि दिन फिर लौटेंगे। चंदा ओ चंदा, चली गई क्या ये भी बेचारी मेरे इस खोखले दिलासे को कब तक सुनती, अच्छा हुआ चली गई। ये लो उसका। ला, दम भी फूलने लगा है। मैं हवेली जा रही हूँ, बीबी जी को चाय देनी है। ठीक है जल्दी आना। नहीं सीमा नहीं, हम साथ में चलेंगे, हाँ हुक्के का एक घूंट ले ले चलेंगे, हाँ चलेंगे। बाबा आप यहाँ गुजर जाएगी, दिल छोटा ना करो बेटा, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, ना उम्मीद मत हो। कैसे ना उम्मीद ना हो, इंसान दफ्तर में नौकरी नहीं मिलती तो किसी दुकानदार के यहाँ बात क्यों नहीं करता, शायद तुझे रख ले, और फिर काम करने में शर्म काहे की। शर्म? अरे अगर शर्म करता तो सुबह शाम चैन नहीं जाता। इतनी बार अफसरों ने धक्का मार के बाहर निकाला है बाबा, इतनी बार बेसहारा समझ के भगा देते हैं वो लोग। कभी 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 उनका तंज मेरे कलेजे को छलनी कर देता है बाबा।
मगर सब्र का मारे इंसान बिना सब्र का कर ही कर सकता है। बेटा सब्र का फल मीठा होता है। मगर सब्र का फल दिखाई तो दे। बाबा बाबा पानी तो सब भर चुका है। बाबा मैं टूट चुका हूँ। बाबा मैं टूट चुका हूँ। मैं बिखरने वाला हूँ। अरे अरे कोई तो हो जो मुझे सहारा दे। बाबा मर्द को अल्लाह ने मेहनत करके रोजी कमाने के लिए पैदा तो किया है मगर जहां भी नौकरी मांगने जाओ कोई नहीं समझता। बाबा तेरे इस बेटे को चोर समझते हैं ये लोग। चोर। अरे अरे पैसा तो चुरा ले जाऊंगा मैं इनका। तुम बोझ नहीं हो। मुझे मालूम है तुम सिर्फ एक गिलास पानी पीकर जा रहे हो और पूरे दिन चिलचिलाती धूप में पत्थरों की सीढ़ियां चढ़ोगे। बेटा मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि तेरा सहारा नहीं बन सकता। बेटा मैं तुझे सहारा नहीं दे सकता। मुझे तेरा मैं तेरा सहारा नहीं बन सकता बेटा। तुम किसी का सहारा नहीं बन सकते। कल्लू घुट घुट कर जीना तेरी तकदीर है और रो रो कर जिंदगी बिताना तेरी किस्मत। तेरी जिंदगी मजाक बनकर रह गई है तो इस जमीन पर एक बोझ है। बोझ तुम हार चुके हो कल्लू। मैं हारा नहीं हूं। मैं हारा नहीं हूं। क्या बात है कल्लू चाचा, बहुत उदास बैठे हो। बस यूं ही तुम ना कल्लू चाचा इधर उधर की सोच सोच के अलकान होते रहते हो। अरे ज्यादा ना सोचा करो। मैं कुछ नहीं सोचता बेटा। वैसे भी अब सोचने को क्या रह गया है। फिर भी सोचते हो। खैर ये बता फसल की बुवाई की या नहीं। अरे अभी कहां की। अभी तो मैं मालिक के खेत में हल चला के आया हूँ। पहले उनकी बुवाई करेंगे फिर अपनी करेंगे। अच्छा खुश रहो। क्या हुआ। जब तुम्हारी जरूरत घर पर होती तो तुम यहाँ मिलते हो। जब देखो मत यहीं बैठे रहते हो। यार क्या रखा है। जब देखो मत तुम्हारा यहीं ठिकाना है। अरे तो क्या हुआ, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। अच्छा क्या हुआ, तुम्हें एक पल भी घर पर चैन नहीं मिलता कि जब देखो मत यहीं बैठे रहते हो। अरे जाओ मैं आ जाऊंगा। देखो मेरा मुंह तो खुलवाओ मत। तुम्हारे दांत के लक्षण है ना मेरी समझ में आ रहे हैं कि जब तो मिलो भी यही। अरे जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो। बके जा रही हो। अरे देखती नहीं हो चाचा की तबीयत खराब है। चाचा की तबीयत कितनी खराब है वो तो नजर आ रही है हमें। घर पर चलो तुम तो घर पर चलो। बड़े गुस्से में है बहू। अरे तुम घर जाओ। जाओ मैं आ जाऊंगा। घर चलो घर पर यमुना दास आया है। फिर तुमने उससे पैसा उधार ले लिए। पता नहीं किस किस से पैसा उधार खा चुके हो। सुबह देखो तो कोई और मिलेगा और शाम देखो तो कोई और मिलेगा। कोई ना कोई रहता है। अरे तुम घर जाओ और यमुना दास को कल के लिए टाल देना। अच्छा कल के लिए टाल देना। कल क्या पेड़ पर पैसा उगेंगे। अरे तुम जाओ तो सही। तुमने परेशान कर रखा है कदाई। जब देखो तो बस यही। अरे हमने तुम्हें परेशान कर रखा है तुमने जाओ। अरे जाओ चलो साथ में। अरे मैं आ जाऊंगा। हुक्के का एक घूंट तो ले लेने दो। ए भगवान मैं क्या करूं। तुम घर जाओ। तुम चल रहे हैं नहीं चल रहे। मैं आ जाऊंगा।
हाँ भैया आ जाऊंगा, यहाँ बैठ करोगे क्या? बाबा बातें करूंगा चाचा से और क्या। अच्छा और कुछ काम ही है? चाचा से बातें करोगे? किसी और वजह नहीं आए हो? नहीं 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 चाचा से बातें करनी है, किसी और से करनी है? नहीं मैं मैं मैं, मैं यूं ही बात कर रहा था चाचा से। जाओ तुम, मैं आ जाऊंगा। जाओ हम जा रहे हैं, जल्दी आना। हाँ हाँ क्यों रुके हो? एक बात पूछो तुझसे। पूछो पूछो चाचा। ले पहले हुक्का पी। हाँ तो कुछ पूछ रहे थे। इधर ला। तू ना अपनी बीवी के डर से कांप रहा था, डर को कहीं का। अरे मैं नहीं डरता हूँ, मैं नहीं कांप रहा था। तू डर रहा था, डरपोक कहीं का? मैं डरपोक नहीं हूँ चाचा। तू डरपोक है, डरपोक है। आप मुझे चिढ़ा रहे हैं ना? नहीं ये चिढ़ा नहीं रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ कि तू डरपोक है। अच्छा मैं डरपोक हूँ तो तुम नींबू हो? देख नींबू ना कहे। नहीं नहीं मैं कहूंगा, हजार बार कहूंगा तुम नींबू हो, नींबू हो, नींबू हो। फिर मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। नहीं मैं कहूंगा फिर भी तुम नींबू हो। रुक जाओ कमीना। नींबू हो ला इधर। तू नींबू, तेरा बाप नींबू, तेरी माँ नींबू। कल्लू चाचा नींबू। रुक जा। कल्लू चाचा नींबू। तू नींबू, तेरा बाप नींबू, तेरी माँ नींबू, तेरी मौसी नींबू। कलुआ, अरे ओ कलुआ मर गया क्या? तब हमारी आवाज भी समझ नहीं आती। नहीं दादाजी ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? ये बता कलुआ कहाँ है? हमने कहा ना बाबा अभी कहीं चले गए हैं। हमें आता देख कहीं छुप गया होगा। आप ठीक कहते हो ना हो, ये कलुआ कहीं छुप गया होगा। मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लगती, जब भी आओ ढूंढते ही नहीं सकता। तुम ठीक कहते हो, मुझे कोई और तरकीब करनी होगी। अरे जी अपने पैसे ऐसे नहीं रहेगा, आज तो तकाजा करके जाऊंगा। ए सरकार, तो कलुआ की चरपाई है, तबे की बीमारी। ना जाने कौन कौन सी बीमारी होगी, बचाया बस बिना तकाजा कर नहीं जाएंगे। ये रहा पानी, पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए पानी, हम यहाँ पानी पीने नहीं आए हैं। हम यहाँ अपने पैसे का तकाजा करने आए हैं। हाँ और क्या, ये बता कलुआ कहाँ है? हमने कहा ना हमें नहीं मालूम, हम तो अभी हवेली से आ रहे हैं। सरकार लाखी एक बात को गए, अगर ये कलुआ आपके पैसे ना दे तो उससे ये झोपड़ी लिखवा लेना। झोपड़ी 1,200 की और मेरे रुपए हुए 3,700। लाला कभी नुकसान का सौदा नहीं करता। भारतीय भूत की लंगोटी बनी, चाहे पहनने के काम में है चाहे निचोड़ने के। आपके पैसे भरे उससे अच्छा है आपकी झोपड़ी लिखवा लो। बात तो तुमने बड़े पते की कही है, बस यूँ समझो। हाँ ठीक है, बस यूँ समझो कि अगर आज उस कलुआ ने अपने पैसे नहीं दिए तो ये झोपड़ी अपनी। अरे ओ शर्मीली, अरे ओ लाजवंती, अरे पगंग सीमी, कान खोल के सुन ले। अगर आज तेरे बाप ने हमारे रुपए नहीं दिए तो तुम सब कहीं झोपड़ गए धक्के मार के निकाल देंगे। नहीं लाला जी, ऐसा ना कीजिए। पेट की भूख मिटाने के लिए खाना ना सही, मगर सर छुपाने के लिए टूटी झोपड़ी तो है। वक्त पड़ने पर कोई एक समय की रोटी दे सकता है, मगर चप्पल कौन देगा लाला जी? ऐसा ना कीजिए। अरे तुम सर छुपाओ या ना छुपाओ, मेरी बला से जब तुम सब दादर की ठोकरे खाओगे तब अंदाजा होगा, समझी? लाला जी हमें हमारी झोपड़ी से अलग ना कीजिए, हमारी परी की
तेरी तड़प देख के कुछ खास खुशी नहीं हो रही, पर हाँ मजा जरूर आ रहा है। सरकार तो तुझ पर तरस खाए, तू भी तो सरकार पर तरस खा। इस भरी जवानी में सरकार घर घर की कुंडियों पर जाते, तब जाके उनकी कहीं प्यार पूछती है। अगर तू सरकार पर तरस खाए, सरकार भी तुझ पर तरस खाएंगे। क्या मतलब? कैसी कुछ समझी नहीं। कैसी भली बनती है रे। अरे कौन सी पहेलियां बुझाई जा रही हैं? सरकार एक नजर डालिए तो सही। क्या बक रहे हो? हाँ सरकार। पगल में बच्चा, शहर में ढिंडोरा, हमने तो इसे कभी इतनी गौर से देखा भी ना था। तेरी नजर बड़ी पार्टी है कल, शाम को दारू के पैसे हमसे ले जाना, ठीक है? सरकार मुर्गा भी। जा, मुर्गे का भी इंतजाम हो जाएगा। आप लोग कितनी गंदी बात कर रहे हैं, कितनी घिनौनी सोच है आप लोगों की, शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी बातें करते हुए? आप क्या गंदे लोग हैं। ओहो, बड़ा पानी है बदन में। सरकार तीखी भी बात है। तेरा दिमाग खराब हो गया, पता तू किससे बात कर रही है? पता नहीं था, मगर आज पता चल गया है, मैं एक कमीन और जलील इंसान से बात कर रही हूँ। मैं उस इंसान से बात कर रही हूँ जिसे माँ बहनों की इज्जत करनी नहीं आती। मैं उस जलील जानवर से बात कर रही हूँ। लगाम दे अपनी जबान को, तेरी इतनी मजाक जो तूने हमें घटिया कमीन कुत्ता का, अब तुम जाके कह नहीं, चल कला। जाओ जाओ, जो जी में आए कर लेना, पर ये भी सुनते जाओ, जिस चीज का तुम सौदा कर रहे थे ना, अपनी माँ बहनों का करना। क्या बात है चंदा, बड़े गुस्से में है। एक दिन खराब आ गए। किसको तेरे खराब आ गए हैं? तू मने तेरी लाज पे रोने वाला ना हो कोई, तू खराब हो गया तेरा दिमाग, तो इन लोगों का खराब हो गया बाबा। ये लोग आपकी बेटी की कीमत लगाने आए थे। तू अंदर जा, मैं बात करता हूँ। कल्लू तेरे दिन बुरे आ गए, यही लड़की उल्टी सीधी बातें कर रही है, ये किसी दिन तुम सबको बड़ी मुसीबत में डालेगी। लाला जी वो तो पगली है। मैं इस पगली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चंदा की बात कर रहा हूँ। वो तो पगली है, वो कुछ भी बकती रहती है, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। माफी? माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे तेरी बेटी ने हमें बहुत बुरे तरीके से जलील किया है। ऐसा नहीं, तुझे आप पैसा थूक दे, अगर आप हम गरीबों से नाराज हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, जी भी पाएंगे आपके बगैर? आप कर दीजिए। माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे सरकार माफ कर दीजिए, बूढ़ा गिड़गिड़ा के आपसे माफी मांग रहा है, माफ कर दीजिए। हाँ सरकार माफ कर दीजिए। हाँ सरकार माफ करिए, और असल बात पे आइए, असल बात पे। जा, तू इतना कहता है तो माफ किया, मगर कान खोल के सुनने को, अगर आज तुमने हमारे रुपए ना दिए तो ठीक ना होगा। वैसे भी हमारे 3,700 रुपए हुए हैं। हाँ, इतने पैसे में सरकार के जूते गिर गए। 3,700 चौकता है, इसमें चौकनी वाली क्या बात है? ना तो तुमने हमारे पैसे असल चुकाए, ना ही सूद, पैसे तो बढ़ेंगे ना। इस तरह 1,100 सूद समेत मिला के 3,700 हुए। अब ये बताओ तुम दे भी रहे हो या नहीं? सरकार मैं आपकी एक एक पाई चुकता कर दूंगा, बस कुछ दिन और ठहर जाइए। सरकार दया तो कभी मत करिएगा। ऐसा न कीजिए लाला जी, ऐसा न कीजिए, रमजानी को नौकरी मिल जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपकी पाई पाई चुकता कर दूंगा। ए कल्लू, ये बहाने आज कब तक चलेगी?
अभी 4 साल से मुझसे कह रहा है कि रमजानी को नौकरी मिल जाए, ना भी रमजानी को नौकरी मिली, ना ही तुमने पैसे दिए, और इन पैसों के तकाजे में ये रास्ते घिस गए, मेरे पैर का जूता घिस गया, पर तेरा हाथ जेब तक ना पहुंचा। सब दे दूंगा लाला जी, सब दे दूंगा, बस कुछ दिन और ठहर जाइए। अरे कल्लू, अगर तू पैसे नहीं दे सकता तो सरकार की झोपड़ी क्यों नहीं लिख देता? कैलाश ठीक कह रहा है, अगर तुझे पैसे देने की ताकत नहीं है तो ये झोपड़ी मेरे नाम कर दे, मैं तेरे बुढ़ापे पे तरस खा के इतना भी नुकसान सह लूंगा। कैलाश ठीक है, ये क्या कह रहे लाला जी, ये झोपड़ी आपके नाम कर दूं, फिर इस बुढ़ापे में कहां जाऊंगा, कहां दर दर की ठोकरे खाऊंगा? लाला जी ऐसा रख लीजिए, मुझ पर दया कीजिएगा, ऐसा रख लीजिए लाला जी। दया तो हम करते ही हैं, पर अब दया ना होगी, तो पैसे दे दे या तो झोपड़ी लिख दे। ऐसा मत कीजिएगा, मेरी गरीबी पर तरस खाइएगा, मेरी बेवा बच्ची पर रहम कीजिएगा, मैं अपनी सर की टोपी आपके कदमों में रखकर दया की भीख मांगता हूं, ऐसा ना कीजिएगा प्लीज। ए गौरी दूर रह जा, तू इतना कहता है तो मैंने तुझे 1 हफ्ते की मोहलत खा दी, अगर तुमने 1 हफ्ते में हमारे रुपए लौटा दिए तो ठीक, वरना तुम सबको एक झोपड़ी से धक्के मार के निकाल देंगे। कैलाश सुन लिया, 1 हफ्ते की मोहलत मिली है, या तो पैसे दे दे या तो झोपड़ी खाली कर दे, समझा? चल के 3,700 इनका बस चले तो लोगों की रंगों से खून का एक एक कतरा खींच दे, कीमत लगाई है इंसान की मजबूरी की, अपनी एक झोपड़ी लिख दू फिर दर दर की ठोकरे खाऊ। ये लो बाबा, खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। बाबा आप क्या सोच रहे हो, खाना खा लो। मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा बाबा, इंसान चाहे खुश रहे या दुखी, प्यार करे या दुश्मनी, दोस्त बनाए या दुश्मन, खाना तो हर हाल में खाना है ना, क्योंकि इन सब के लिए जिंदगी चाहिए और जिंदगी के लिए खाना, बस अब खाना खा लो बाबा। खाना भूख नहीं है अभी, अब ले जा, जब भूख लगेगी मांग कर खा लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं लेकर जा रही हूँ, जब भूख लगे तो मांग कर खा लेना, जब तक मैं उसका फल लाती हूँ। एक कहानी सामने क्यों नहीं आते, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुझे सलाम करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बातों में सच्चाई है, तुम्हारी आवाज में जादू है। सामने आओ, नहीं तो मुझे आवाज दो, मैं आ रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे नहीं मिल सकते, क्यों मिलना चाहते हो तुम मुझसे, क्या करोगे और क्या पाओगे तुम मुझसे मिलकर? और अगर तुम जानना ही चाहते हो कि मैं कौन हूं तो सुनो, मैं इस खुशनुमा मुल्क के बदनुमा निजाम की एक बिगड़ी हुई तस्वीर हूं, मैं मायूस बेसबब और उदास जिंदगी की वजह हूं, मैं मुफलिसी हूं, मैं गरीबी हूं। बाबा क्या हुआ?
अरे हो ना हो, हाँ मुझे देखकर परेशान हो रहे होंगे। अरे बाबा, बाबा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, अब किस्मत में नौकरी नहीं है तो मैं क्या करूँ बताओ, अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ बाबा। खाना खा लो जाकर। आपने खाना खाया? इनकी भूख का क्या, खाती जाने का नाम नहीं लेती, साथ भूलना बंद नहीं होता, ये तो तुम अच्छी तरह से ही जानते होगे ना। अगर तुम कमाते होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, मैं अपनी बच्ची को बेसहारा छोड़कर नहीं जाती, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो खेतों में कुदाल चलाओ, मजदूरी करो, जिससे दो वक्त की रोटी भी मिले और पापा की दवाई भी। अरे तुम लोग लड़ो मत, मेरी बीमारी का क्या, मुझे दवा की जरूरत नहीं है, अलबत्ता इस बात की फिक्र कि रमजानी तुम कब तक अपनी बहन पर। कह लो, आप भी कह लो बाबा, आप भी कह लो। बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग मुझे ताने मारते हैं, तेरा भाई कुछ कमाता दमाता नहीं है, बहन के टुकड़ों पर पलता है, बहन की कमाई खाता है, ये बात मेरे सीने पर तीर की तरह चुभती है, तीर की तरह। अगर मैं सुबह से शाम तक लोगों के घरों में चौका चूल्हा ना करूं, उनके बर्तन ना दूं, उनके कपड़े ना दूं, तो एक वक्त की रोटी भी नसीब ना होगी। अगर तुम कमाते होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, बाबा की सेवा करती, उनकी देखभाल करती, अपनी बच्ची को मैं सहारा छोड़ कर नहीं जाती, मगर मजबूर हूँ और मजबूर होकर ये सब करना पड़ता है। क्या कह रही है? मैं पक नहीं रही बाबा, सच्चाई बता रही हूँ। रमजानी खाए के पान बनारस वाला नहीं बेटा, खांसी बहुत तेज है आज। तभी मैं कहूँ चेहरा लाल क्यों है चाचा, गुटखा पीने से चेहरा लाल हो जाता है क्या? पहले ये बता, तेरा बाप भी मुझे चाचा कहता है और तू भी मुझे चाचा कहता है, दादा क्यों नहीं कहता? अब मोहल्ले का कोई भी बच्चा दादा नहीं कहता आपको, मोहल्ला क्या सारा इलाका आपको चाचा कहता है। अच्छा ये बता, लोग मुझे चाचा क्यों कहते हैं? मेरे हिसाब से दादा में आप बूढ़े लगेंगे और चाचा में जवान, और जो बात चाचा नींबू कहने में है वो दादा नींबू कहने में कहा। बेटा मैं तो बूढ़ा ही हूँ। मैं तो कहता हूँ आप बिल्कुल जवान है चाचा, और बूढ़े कहाँ हुए हैं आप अभी? मैं बूढ़ा हूँ या जवान हूँ उससे क्या लेना देना, तू बता कहाँ जा रहा है? मैं तो कलिंग मिर्ची के यहाँ जा रहा था, हरी मिर्च लेने, सोचा पहले आपके यहाँ हो लूं। वहाँ क्यों? अब अब्बा ने कहा था कलीम मिर्ची के यहाँ से हरी मिर्च लेना और आपके यहाँ से नींबू। मेरे घर में क्या पेड़ लगा है? मैं तेरे बाप से शिकायत करूंगा फिर। अब वो तो बाद की बात है, पहले नींबू तो दे दीजिए। देख देख नींबू ना खाए, बता रहा हूँ तुझे।
ठीक है, नींबू नहीं कहता हूँ, चिढ़ते हैं ना आप चाचा। कमीना इशारे से समझाता है। रुक जा तू। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ये लोग चैन से मरने भी नहीं देंगे। क्या कर दिया? सारे फूल तोड़ लाए, पौधे भी उखाड़ देते, संभाल के खुश है। लेकिन ये तो अभी यही थी। ये अभी यही थी तो मेरे बगीचे में कैसे पहुंची? अच्छा, यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो इसे बांध के रखो। बांध कर ही रखता हूँ, आज इसे खोल दिया था सब बाहर निकल गई। देखो, मैं पहले भी तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ, अगर तुम नहीं समझोगे तो मुझे कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। उस दिन इसने ईंट का शीशा तोड़ दिया था, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नहीं समझे। मैं समझ गया हूँ, अब इसे बांध कर ही रखूंगा। ठीक है। हेलो, एक बात और बता रहा हूँ, इसे ये बीमार है तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं, समझे? इसे बांध कर रखो। बांध कर रखता हूँ। देखा कैसे दोस्त देकर चला गया, कितनी बार कहा कि बार मत जाया कर, लेकिन समझती नहीं। अरे तुझे समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। क्या बात है बाबा, ये सलीम किस लिए आया था? अरे ये तेरी बेटी उसके बगीचे से फूल नोच लाई है, उसी की शिकायत करने आया था। लो बाबा, दवाई पी लो, दवा गर्म है, हाथ पैर ना जला लेना। तो तू बरसों से कहती आ रही हो दवा गर्म है, हाथ पैर मत जला लेना। लेकिन जब खांसी आती है तो मजबूरी से दवा को जमीन पर रख देता हूँ। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। बाबा अब गाना बंद करो और दवाई पी लो, दवाई ठंडी हो गई तो असर खत्म हो जाएगा। जला लिया ना आज बाबा आपने अपना, कहा था ना दवाई ठीक से पीना, गर्म है हाथ पर ना जला लेना। बाबा आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। चंदा, मेरे मरने के बाद तू अपनी मौसी के घर चली जाना। कैसी बातें कर रहे हो बाबा। मैं सही कह रहा हूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब्र में पैर लटकाए बैठा हूँ, बुलावा आया तो जाना पड़ेगा। ऐसी बातें ना करो बाबा, ऐसी बातें ना करो, बस चुप हो जाओ बाबा, बस चुप हो जाओ। अरे तेरी मौसी ना सिता रहा हूँ मैं पिता रहा। तो कहाँ से लाऊं दवा बाबा, कहाँ से? रोटी रोटी को मौत आ जाए हम लोग, कहाँ से लाऊं दवा? पेट की भूख मिटाने के लिए दाना नहीं है, हवेली के लोग अपने फटे पुराने कपड़े देते हैं, तो इन लाशों को ढकती हो, कहाँ से लाऊं दवा, कहाँ से? भाई ऐसे कुछ कमाते कमाते नहीं है, बाबा।
जानी, हाथ मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। बेटा रमजानी, मुझे दवा ला दे। बेटा रमजानी, मुझे दवा ला दे। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बेटा रमजानी, मुझे माफ कर दो बाबा। अरे कहां से लाना बाबा? कोई कोई नौकरी तो देता ही नहीं है बाबा। तेरे बेटे को कोई नौकरी नहीं देता। अरे सब कहे रहे ये लोग, चोर समझते तेरे बेटे को, चोर चोर। कहां से लाना बाबा? और उस तमाई वाले ने ना मालूम क्या क्या बोलना, पहले के पैसे लाओ, मना कर दिया साले ने दवा देने से। आप ही बताओ, बोलो बोलो, मैं क्या करता? बोलो 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 बाबा, बाबा बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो Thank you.
अब ये अमर बेल किसके पास जाएगी, किससे लिपटेगी, किसका खून चूसेगी और किसको मिट्टी में मिलाएगी, क्योंकि ये तो अमर बेल है, क्योंकि ये तो मुफलिसी है। और सच तो ये है कि अमर बेल ही मुफलिसी है और मुफलिसी ही अमर बेल। शुक्रिया। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। यकीन मानिए, किसी के पास अगर ऐसी चादर में असर है तो उसका सर और पांव दोनों छुप जाते हैं तो खुश नसीब है, वरना आज के दौर में जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी आपको कॉलेज में घूमते हुए नजर आती है। इस खूबसूरत ड्रामे के कलाकारों को जिन्होंने आपके सामने इस फन का मुजाहरा किया है, मैं एक एक करके पेश करूंगा, उनका तारुफ कराऊंगा। जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। फकीर का रोल प्ले किया था ऋषिकांत ने, ऋषिकांत एज फकीर, ऋषिकांत। अभिषेक कुमार कल्लू, नूर फातमा चंदा, शयाद आलम रमला, अनिमेश मिश्रा आमिर, फाजिल खान रमजानी, जीशान लाला और नदीम मिर्जा एस कैलाश। और एक ताली उस स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर के लिए जिसने इस खूबसूरत फिल्म को इस खूबसूरत अंदाज में पेश किया, गुलाम अशरफ कादरी साहब के लिए। हजरात, आपको अंदाजा हुआ होगा कि जिस धमाका खेज अंदाज में इस कल्चर प्रोग्राम की शुरुआत हुई है यह आगे के सफर में कहां तक जाएगा, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक पॉज देना चाहता हूं। यहां कुछ वो बच्चे बैठे हैं कि जिन्होंने कॉलेज का नाम रोशन किया है और अपने अपने डिपार्टमेंट्स में टॉप किया है। यकीन मानिए, एक नोबेल प्राइज जिसको मिला था उसने ये लिखा है कि मैं आज तक ये फैसला नहीं कर पाया कि मुझे उस मेडल का ज्यादा खुशी थी जो मुझे स्कूल में मिला था या उस मेडल की ज्यादा खुशी है। आदरी साहब ने अभी बताया, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी कि मेकअप और सारी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग वो की थी ऋषिकांत ने, उनके लिए एक बार तालियां। मैं यह कर रहा था कि जिसको नोबेल प्राइज मिला था उसका कहना था कि मैं आज तक ये फैसला नहीं कर पाया कि मुझे उस दिन ज्यादा खुशी थी जिस दिन स्कूल में मुझे पहला मेडल मिला था या आज जब मुझे नोबेल प्राइज मिला है। स्कूल और कॉलेज के ये मेडल या अवार्ड्स ताहयात आपको याद रहने वाले हैं। हमारे जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको अवार्ड दिए जाएंगे। उन अवार्ड्स के बाद एक बार फिर हमारा कल्चरल प्रोग्राम शुरू होगा। यकीन मानिए, आपके सामने बच्चे उस टैलेंट का मुजाहरा करेंगे जो आपको आसानी से देखने में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले प्राइज अवार्ड्स दिए जाएंगे विनर्स को। मैं